वेलकम बैक टू सब सवेरे पाकिस्तान। और नाज़रीन, हम बात करेंगे वतन अज़ीज़ में ख़वातीन को दरपेश मुख्तलिफ चैलेंजेस के, और लेकिन उन चैलेंजेस के बावजूद हम देखते हैं कि मुल्की तारीख उनकी कामयाबियों से ही भरी पड़ी। आलमी वबा के बहरान में भी ख़वातीन की समाजी सकाफती और सियासी कामयाबियों का सफ़र जो है वो जारी, और इस फहरिस्त में कौन मजीद लोग शामिल? एक एडिशन हुई है इस फहरिस्त में प्रोफेसर डॉक्टर साइमा यासीन की। और क्या बात है, अब आप ने ये ख़बर तो देखी होगी कि लाहौर की तारीखी यूनिवर्सिटी, या पाकिस्तान में इंजीनियरिंग की तारीखी यूनिवर्सिटी कहा जाए, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जिसको हम UET लाहौर के नाम से जानते हैं, इसकी तारीख ही बदल कर रखती है। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर ने केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में पहली खातून प्रोफेसर जो हैं उनको तैनात कर दिया है। और ये एक और भी इनके अंदर खासियत है, या ये कहा जाए कि इन्होंने ये भी अचीवमेंट जो है इनकी है, वो ये है कि अगर हम पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो कोई भी पहली इंजीनियर जो खुद भी इंजीनियर है और इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में पढ़ा रही हैं वो प्रोफेसर हो गई हूँ, मतलब कि प्रोफेसर के अहदे तक तरक्की मिल गई हो। लेक्चरर से ये जो है शुरू होता है सफ़र, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और फिर प्रोफेसर तक चलता है, तो ये भी उनको एहसास हासिल है। डॉक्टर साइमा यासीन 1900 कहा जा रहा था कि 21 में मुगलपुरा टेक्निकल कॉलेज से लेकर UET बनने तक के जो 100 साल सफ़र है उसमें इंजीनियरिंग के शोबे में तैनात होने वाली पहली खातून प्रोफेसर। अच्छा, पहले तो हमारा ये भी सवाल बनता है, ये 100 साल आखिर लग क्यों गए, इसकी वजह क्या है? हम वैसे भी अगर देखें तो इंजीनियरिंग साइड पे जो स्टूडेंट्स की बात कर ली जाए तो फीमेल स्टूडेंट्स का थोड़ा सा रुझान कम होता है, फिर आगे देखा जाए कन्वर्जन रेशियो की बात करें तो फिर जॉब्स बहुत कम कर रही होती हैं, और फिर प्रोफेसर तो अभी हमारे पास एक ही हैं। तो हमने बड़ा ढूंढा है, बड़ा रब्ता किया है, और फिर वक्त कोशिश की कि वो कुछ निकालें, तो इस वक्त प्रोफेसर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू करते हैं। प्रोफेसर साहिबा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, आपको पहले तो बहुत मुबारक। बहुत मुबारक। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया। आपने जैसे कहा कि ये कैसे 100 साल कैसे लग गए, तो इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं। जैसे एक तो इंजीनियरिंग की जो फील्ड है उसको अनफॉर्चुनेटली मेल डोमिनेटिंग फील्ड समझा जाता है कि इसमें फील्ड वर्क की ज़रूरत होगी जो फीमेल्स नहीं कर सकती। हालांकि मैं कहती हूँ कि इसमें अगर हम इसकी बेस को देखें तो वो डिज़ाइनिंग है, और डिज़ाइनिंग मेरे ख्याल में तो लड़कियाँ ज़्यादा अच्छी कर लेती हैं कि वो उसमें उनमें क्रिएटिव थिंकिंग जो है वो ज़्यादा बेहतर होती है। लेकिन ओवरऑल एक्चुअली सोसाइटी का एक माइंडसेट बन गया है कि ये ख्वातीन की नहीं है, और ख्वातीन ने कुछ खुद भी परसेप्शन जो है दूसरों की ओपिनियन बेस्ड बना ली है। उस वक्त पेरेंट्स बना रहे होते हैं ना ओपिनियन, तो पेरेंट्स कहते नहीं बेटा ये आपके लिए नहीं, आप तो डॉक्टरी में जाएंगे। जी बिल्कुल, पेरेंट्स का भी यही माइंडसेट है। मैं तो खुद अपने जो है पेरेंट्स और फैमिली की मर्जी के खिलाफ इस फील्ड में आई हूँ। जी आज तो मैं ये प्राउडली कह सकती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और खुशी से कह सकती हूँ, लेकिन वो जो प्रेशर एक मर्जी के खिलाफ जाके बियर किया है, कितना मुश्किल था ये, बहुत चैलेंजिंग था। अच्छा। सफ़र कोई भी हो उसमें मुश्किलात आती हैं, लेकिन मेहनत और लगन बहुत ज़रूरी है, और सबसे बढ़ के मोटिवेशन और जो इनकरेजिंग लोग होते हैं आपकी लाइफ में वो आपके सफ़र को आसान करते हैं। कि जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं तो नहीं सोच सकती थी कि इतने लिमिटेड रिसोर्स में मैं UET जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएशन करूँ, या इम्पीरियल कॉलेज लंदन जैसे इंस्टीट्यूट से PhD कर लूँ। तो इसमें अल्लाह का करम भी है, सातिजा की रहनुमाई है, माँ बाप की दुआएं हैं, और मेरे शोहर की भी सपोर्ट है इसमें। अच्छा, इस कामयाब औरत के पीछे मत का हाथ है। सपोर्ट नहीं है उनके, लेकिन सबसे ज़रूरी बात जो है ना वो मेरी अपनी एफर्ट है। अच्छा, मैंने अपना कम्फर्ट जोन छोड़ा। कामयाब औरत के पीछे भी औरत का हाथ है। अपना ही कह रही, मेरी अपनी एफर्ट बहुत ज़्यादा भी है। अच्छा, कैसे मैनेज करती हैं अपनी पर्सनल लाइफ को और फिर इस तरह से यूनिवर्सिटी सारा ये चीज़ें? अगर मैं कहूँ कि ये आसान है तो आसान तो नहीं है। ये एक बहुत मुश्किल होता है खातून के लिए बैलेंस करना अपनी जॉब को, अपने घर को, अपनी सोशल लाइफ को, लेकिन कुछ अचीव करने के लिए आपको एक मिनिमम जो प्राइस है उसकी वो पे करनी पड़ती है। बैलेंस कर रही हूँ, अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि घर से भी सपोर्ट है। और लेकिन यहाँ पे मैं ये मेंशन करूँगी कि एक जो मिनिमम प्राइस है वो पे करनी पड़ती है। जैसे अगर मैं घर जाऊँ तो मैं अपने बच्चों को देखती हूँ, वो खुद ही अपने छोटे छोटे हाथों से अपने काम कर रहे होते हैं। अच्छा। तो ये बल्कि जिस दिन मैं प्रोफेसर हुई तो उस दिन मेरे बेटे जो 8 ईयर्स का है उसने कहा कि मामा अब आप प्रोफेसर हो गई, अब आप टाइम से घर आ जाया करें। अच्छा, कितना अच्छा लगता है कि जिस
डिपार्टमेंट की कभी लगी हो, मेरिट लिस्ट लगी हो, उसमें साइमा का नाम हो कि जी कि ये स्टूडेंट है वहाँ पर, स्टूडेंट के तौर पे जाएंगी, फिर वहाँ पर फीस जमा करवाई जा रही हो, और आज उस डिपार्टमेंट की आप चेयरपर्सन हो जाएं, तो ये सफ़र और फिर फीलिंग कैसी रहती है कि यार मैं इस यूनिवर्सिटी में कभी तो आई थी स्टूडेंट के तौर पे, आज चेयरपर्सन हूं? जी बिल्कुल, जहाँ पे आप एज स्टूडेंट आते हैं वहाँ पे आपका दिन रात गुजरे होते हैं उस जगह से, तो वैसे ही आपको एक एफिलिएशन हो जाती है, और ये बड़ा एक प्यारा सा एहसास होता है कि जहाँ से आप पढ़े हैं वहीं पे आपको कुछ सर्व करने का, कुछ कंट्रीब्यूट करने का मौका मिल रहा है, तो ये बहुत खुशी की बात है। और अच्छा, बिल्कुल ये खुशी की बात तो है, लेकिन कितना ज़रूरी है, क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारी ख़वातीन जो है पढ़ती हैं लेकिन फील्ड में नहीं आती, प्रैक्टिकल जो काम है वो उसमें नहीं आती हैं, आप उनको ख़वातीन को क्या मशवरा देंगी? पढ़ती हैं तो सर्व करना कितना ज़रूरी है? जी सर्व करना उनका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसमें हमें एक तो उन्हें इनक्रेज करने की ज़रूरत है, उन्हें कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है कि उनमें इक्वल कैपेबिलिटीज़ हैं और दे कैन डू वंडर्स इन देयर लाइफ्स। बाकी उनका कंट्रीब्यूट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम मुल्क की इकोनॉमी की बात करें तो उसमें तारीख़ के हर दौर में ख़वातीन का एक नुमाया किरदार रहा है। यहाँ पे अगर मैं हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बात करूँ तो हमारे लिए रोल मॉडल है, उन्होंने तिजारत में अपना नाम पैदा किया है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में अभी रिसेंटली डॉक्टर सारा हैं, उन्होंने इनोवेशन की है एनवायरनमेंट फ्रेंडली एयरक्राफ्ट की, तो ये कुछ सक्सेस स्टोरीज़ हैं और वो बताती हैं कि मुल्क की इकोनॉमी में ख़वातीन का नुमाया किरदार है, तो उन्हें ज़रूर सर्व करना चाहिए। यह बड़ी संजीदा सी बात है ना, आपके बच्चे बड़े अच्छे हैं जो खुद छोटे नन्ने नन्ने छोटे छोटे प्यारे प्यारे हाथों से काम कर रहे थे, आपके स्टूडेंट्स कैसे हैं? स्टूडेंट्स को पढ़ाना कितना मुश्किल काम है, और आज जो आपके स्टूडेंट्स देख रहे होंगे वो कहेंगे मैडम क्लास में तो हस्ती नहीं है, और मैडम कितना खुश अखलाकी से पेश आ रही है मीडिया के ऊपर, क्या ऐसे ही है या फिर नहीं बड़ा अच्छा, बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है स्टूडेंट्स के साथ? नहीं, स्टूडेंट्स हमारे बिल्कुल बहुत अच्छे हैं और बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है, बल्कि मैं यहाँ पे ये मेंशन करूँगी कि क्योंकि वो टीचर को ही फॉलो कर रहे होते हैं, तो जैसा टीचर ने क्लास में बिहेव किया है उन्होंने वैसा ही आगे से रिएक्ट करना है, तो हमारी कोशिश होती है कि हम उनको ना सिर्फ टीचिंग दें, नॉलेज दें, ना सिर्फ स्किल्स दें, बल्कि उनकी जो अफेक्टिव डोमेन है जो कि उनके एटीट्यूड को शो करती है, तो हम उसको भी कर रहे होते हैं, ग्रूम कर रहे होते हैं उनको, तो स्टूडेंट्स जैसे हम हैं वैसे वो हैं। वैसे इंजीनियर्स के बारे में कहा जाता है, बड़ी खासतौर पे इंजीनियरिंग जो है वो बड़ा सूखा सा एक सब्जेक्ट होता है, और फिर शायद बड़े सूखे रूखे से लोग होते हैं, ऐसे ही होता है या नहीं? ये बिल्कुल मिथ है, लेकिन वैसे प्रोफेसर साहिबा की स्माइल देख के मुझे लग नहीं रहा है ये मिथ ही, इसको आप समझे ऐसा कुछ नहीं है। मुझे आप जो है ना एक ऐसा केस लग जिसको कहते हैं एक्सेप्शनल है, मुझे वो लग रही है। अच्छा ठीक है, जब यूनिवर्सिटी में आप प्रोफेसर बनी हैं, चेयरपर्सन भी बनी हैं, तो 80% तकरीबन जो है कहा जाए तो वहाँ पर असातिज़ा भी ओवरऑल यूनिवर्सिटी के अंदर मेल हज़रात, तो कैसा रिस्पांस मिला? वेलकमिंग थे क्या रिस्पांस था? आमतौर पर यह समझा जाता है कि वेलकमिंग नहीं होते, क्योंकि जैसे आपने भी बात की मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, तो कैसा वो कल्चर कैसा है और किस तरीके से आपको वेलकम किया? अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा अपने आप को लकी समझती हूँ कि मुझे अपने इन लॉज की तरफ से, अपने शोहर की तरफ से भी सपोर्ट थी, ऑल्दो मैंने अपनी मेहनत की है, अपना कंफर्ट जोन छोड़ा है, मेरे कुलीग भी बहुत कोऑपरेटिव हैं और इनक्रेजिंग हैं। हाँ, ओवरऑल कुछ हर कहते हैं ना कि एक्सेप्शनल केसेज आर ऑलवेज देयर, तो कुछ डीमोटिवेटिंग एलिमेंट्स हैं जो जिनका माइंड सेट है उस तरह से, तो मेरा ख्याल है उनको बस इग्नोर करें आप। अच्छा, फ्यूचर गोल्स वैसे अब इसके बाद क्या हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हम आपसे पूछ लेते हैं, वैसे साहब आपके फ्यूचर गोल्स? जी फ्यूचर गोल्स क्योंकि नहीं, मेरे जो फ्यूचर गोल है एक्चुअली वो मेरी पर्सनालिटी से रिलेटेड नहीं है उस तरह से। अच्छा। क्योंकि मैं समझती हूँ कि मुझे तो अल्लाह ने एक मैक्सिमम जो एक अचीवमेंट थी वो दे दी है, क्योंकि मैं चेयरपर्सन हूँ, तो बींग हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मेरा एम ये है कि हम अपने स्टूडेंट्स को वो प्रोजेक्ट्स करवाएं जो मुल्क की जो लोकल इंडस्ट्री है वो उसमें एप्लीकेबल हों, ताकि वो जब इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेंगे तो वो उनमें क्रिटिकल थिंकिंग भी आएगी और उनमें एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स भी आएंगी, तो हम एम्प्लॉयर्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं, एम्प्लॉय प्रोड्यूस नहीं करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, सबसे पहले पाकिस्तान का आप रोल मॉडल हैं पाकिस्तान की तमाम लड़कियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, ख्वातीन के लिए, और क्या बात है, इस तरह का बेहतरीन काम कीजिए ताकि आप भी कोई काम करने वाले पहले शख्स हों, ऐसा आज भी हो सकता है, हम समझते हैं कि शायद सब कुछ तो हो गया अब मैं क्या नया कर सकता हूं, तो आप कुछ हो नहीं तारीख रकम
कर सकते हैं। बिल्कुल, प्रोफेसर साहिबा ने हमें करके दिखाया। वैसे साहिबा ने हमें सब कुछ बताया, अब उन्होंने फ्यूचर गोल वैसे तो हमें जो बताए हैं वो हमने आपसे शेयर किए हैं, लेकिन वैसे चलें वाइस चांसलर भी हम, मेरा ख्याल है कि इनको देखेंगे किसी वक्त में और फिर वो भी ये खबर बन जाएगी। अभी हम आपको ये बताते हैं कि मुल्क भर में आज यौम शहदाए पुलिस मनाया जा रहा है, जिसका मकसद अपने फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान जान कुर्बान करने वाले पुलिस अहलकारों को खराज अकीदत पेश करने, और हर दिन हमारे शहदा का दिन है। बिल्कुल ऐसे ही यौम शहदाए पुलिस के मौके पर मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में शहदा की कुर्बानियों पर उन्हें खराज अकीदत पेश करने के लिए प्रोग्राम्स और दुआया तकारीब जी उनका भी इनाकाद किया जाएगा। और पुलिस अहलकारों और अफसरान ने अमन अमान की खातिर क्योंकि बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, कराची ही नहीं मुल्क भर में जो अमन खुशहाली है उन शहदा की बदौलत ही है। बेशक ऐसा ही है, बहुत मुश्किल काम होता है। आप कैसे, मतलब देखें, हम अपने कम्फर्ट जोन से निकलना पसंद नहीं कर रहे होते, हमारी जो मुख्तलिफ जॉब्स हों, हम बिजनेस कर रहे हों, कोई छोटी मोटी मुश्किल आ जाती है ना तो हमें इतना ज्यादा फील हो रहा होता है यार ये तो मेरा काम नहीं है, अगर किसी दूसरे शख्स का काम दे दिया जाए, नहीं ये मैं क्यों करूं, ये तो मेरी डोमेन नहीं बनती है। लेकिन आप सोचिए कि ये जज्बा हो, ड्यूटी के अंदर ये शामिल हो कि अगर मुझे इस मुल्क की खातिर जान भी देनी पड़ेगी, इस मुल्क की हिफाजत की खातिर जान देनी पड़ेगी, शहरियों की हिफाजत की खातिर जान देनी पड़ेगी, तो मैं दरेग नहीं करूँगा, मैं गुरेज नहीं करूँगा और मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करूँगा, तो ये बहुत ही मुश्किल और ये बहुत ही जज्बे वाला मुश्किल। फिर उनकी फैमिलीज के लिए बच्चे कितने ऐसे होते हैं कि बच्चे छोटे छोटे हैं, मासूम बच्चे हैं, उनका फ्यूचर है, वो यतीम हो जाते हैं, लेकिन ये जज्बा मान नहीं करता। बिल्कुल ऐसे ही है, जज्बा जो है वो ये इस जज्बे के अंदर आना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है कि इस तरह का जज्बा भी इंसान में हो। खैर ये जज्बा जो जिसमें पाया जाता है और हम उनको खुद भी हमारे हीरो हैं, हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। और देखें अगर आपकी कभी मुलाकात किसी शहीद के बच्चे से हो और आप उससे जब सवाल करें ना कि बेटा बड़े होके क्या बनोगे, तो वो कहता है कि मैं पापा की तरह पुलिस में जाऊंगा। तो ये वो जज्बा है, और ये पीछे आप देखें ये वो माएँ हैं जो बच्चों को फिर ये सिखा रही हैं कि ये आपके वालिद ने जो किया था या जो आपके पेरेंट्स कर रहे हैं वही आप लोग अगर करेंगे तो उससे ज्यादा बेहतरी आएगी मुआशरे के अंदर। और वो ये नहीं कहते कि बेटा नहीं ये नहीं करना, इससे जान चली जाती है, जान चली जाएगी, बाबा के साथ ये हो गया, आपने नहीं करना। लेकिन ऐसी माएँ हैं जो बच्चों को भी, बच्चों के अंदर ऐसे जज्बात को पैदा करती हैं कि नहीं आपने भी यही करना है, जो उनके गोद से आपने उनको पूरा करना है। मजीद ऐसी बेवाएं, ऐसी माएँ जो हैं वो भी सल्यूट की हकदार हैं, उनको सल्यूट करना चाहिए कि वो बहुत, मतलब सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो उन्हीं की होती है और सबसे ज़्यादा बाद में शायद कोई सफ़र कर रहा होता है वो फैमिलीज होती हैं, तो वो फैमिलीज़ का हमें ख्याल भी करना चाहिए। और जिस तरीके से ये शहदा हैं, ये हमारे हीरो हैं और हर रोज़ हमारे शहदा का है। आगे बढ़ेंगे, बात करें पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान जो सीरीज़ जारी थी T20 की, वो चार T20 मैचेस होते हैं ना, और हम कहते हैं जी पाकिस्तान ने या किसी मुल्क ने सीरीज़ जीत लिया तो हम कहते हैं 3-1 से सीरीज़ अपने नाम कर ली, तो 4 मैचेस की सीरीज़ थी और पाकिस्तान ने 1-0 से अपने नाम कर लिया। हम कहेंगे 1-0 से पाकिस्तान ने। ये आखिरी मैच भी जी बारिश की नजर हो गया, मैच नहीं हो सका। हाँ वैसे जिसका हम लोगों को डर था वही हुआ है। खैर वैसे तो एक मतलब देखा जाए तो बड़ा लोग खुश भी हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि जी हम जीत गए, लेकिन इतना नुकसान भी हो गया है। अब वो नुकसान किसी को पता है कि नहीं है, समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, समझ आना ना इकरा बड़ा ज्यादा जरूरी है कि हम तो भाई यहाँ पर गए थे कि हम अपना किसी तरह से कॉम्बिनेशन बना सके, हमें तो मैचेज ही नहीं मिल सके। 5 मैच थे, 1 पहले कम हो गया ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज की वजह से, 4 थे, 3 तो वैसे नहीं हुए, 1 मैच हुआ और उसके अंदर भी हमारा टॉप ऑर्डर जो है उसी ने सिर्फ काम किया, हमारा मिडिल ऑर्डर उसमें भी नहीं काम कर सका था। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्टलिस्ट नसीम राजपूत साहब। नसीम राजपूत साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर क्या मतलब कि इसमें खुशी का इजहार किया जाए, चले पाकिस्तान अगर कभी रिकॉर्ड देखा जाएगा तो एक सीरीज जीत गया, नुकसान कितना हुआ हमें इस टूर पे? वालेकुम सलाम हमजा एंड वेरी गुड मॉर्निंग आप दोनों को। नुकसान वाकई में हमारा बहुत बड़ा हुआ, इसलिए हमारा बड़ा नुकसान हुआ क्योंकि हम उन चंद टीमों में शामिल हैं जो अपने कॉम्बिनेशन अभी सर्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ढूंढते हुए दिखाई, अब तक मुकम्मल तौर पे बना नहीं सके। आपने बिल्कुल ठीक बात कही हमजा, हमारा बहुत बड़ा लॉस हुआ इसके बावजूद कि हम सीरीज जीतने में कामयाब हो गए। देखिए वेस्ट इंडीज की आप टीम तो देखें, टॉप ऑर्डर से लेके नीचे तक वो एक बनी हुई टीम दिखाई दे रही है, हम स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं टॉप ऑर्डर में। हमने एक नया तजुर्बा किया था इस सीरीज में, हम शर्जील को ऊपर लेकर आए थे और बाबर जो है वन डाउन पोजीशन पे चले गए थे, लेकिन उस तजुर्बे को भी मौका नहीं मिला, एक ही मैच मिल सका जिसमें शर्जील ने बैटिंग की थी
20 रन स्कोर किए थे। देन अभी तक हम कॉम्बिनेशन को जिस तरीके से सेटल कर रहे हैं, आजम खान होंगे, शुएब मकसूद होंगे या फिर हसन अली जो है वो शुएब मकसूद से पहले बैटिंग करेंगे, अभी तक हमारी क्या करना चाह रही है समझ में नहीं आ रहा। शुएब मकसूद ऐसे हिटर के तौर पे गए थे, पावर हिटर के तौर पे गए थे और पता चलता है हसन अली ठीक है वो पावर हिटिंग कर लेते हैं लेकिन आप शुएब मकसूद से ऊपर तो नहीं भेज सकते। तो इसका मकसद है कहाँ आप कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, कहाँ कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट के बारिश की वजह से शाइकीन को भी मजा नहीं आया होगा डेफिनेटली। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा नसीम साहब, जिस तरह से हम बैटिंग लाइन की बात करते हैं, अगर हम बॉलिंग की तरफ देखें तो बॉलिंग लाइन भी कोई इतनी बेहतर नहीं है, जिन पर एतमाद किया गया उनकी परफॉर्मेंस भी उस तरह से नहीं थी। आप नहीं समझते कि स्क्वाड में हमें सीनियर प्लेयर्स को शामिल करना चाहिए, जैसे वहाब हो गए, आमिर हो गए? देखिए वहाब और आमिर की जानिब देखा जा रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं देखा जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज ये कि हमें अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा हमने किस मैच में किसको आराम देना है किसको नहीं देना। देखिए शाहिद क्योंकि अगर पिछले तीन मैचों में आप परफॉर्मेंस देखते हैं तो 80 प्लस उन्होंने रन दिए, एक आउट किया है, तकरीबन 13 की औसत से 14 की औसत से उन्होंने ये रन दिए। किसी मैच में पूरी बॉलिंग नहीं कर रहे वो, किसी में एक ओवर कर रहे हैं, किसी में दो कर रहे हैं, किसी में तीन कर रहे हैं, एक मैच में उन्होंने चार ओवर किए थे। कहने का मकसद ये कि लास्ट मैचेस के बाद से वो थोड़े से ऐसा लग रहा है थके थके लग रहे हैं, लेकिन हम उन्हें आराम कब दे रहे हैं? आराम उस वक्त दे रहे हैं कि जिस वक्त हमने वेस्ट इंडीज से सीरीज जीती नहीं थी, हमने उनको तीसरे दिया था, वो जगह नहीं बनती तो आराम देने की। आप पहले मैच में आराम देके आपके पास तीन मैचों का ऑप्शन मौजूद होता है कि अगर हम खुदा ना खास्ता जीत सकते तो हमारे पास मौका होगा, लेकिन हम तीसरे मैच में आराम दे रहे हैं उनको कि अभी पाकिस्तान वन अप, सीरीज नहीं जीती है हमने तो हमें वो मैच खिलाना चाहिए था। और फिर दूसरी चीज जहाँ शाहिन शाह अफरीदी परफॉर्म नहीं कर रहे हो, जहाँ पे हारिस रऊफ हसनैन इनके हवाले से सवाल दिखाई दे रहे हो, तो फिर हो सकता है हमें बाद में दोबारा, हमें तो ये भी लग रहा है, मुझे तो ये भी लग रहा है कि हम शुएब मलिक की तरफ देख रहे होंगे दोबारा, शुएब मलिक को लेकर आना है हमने, हमें फास्ट बॉलिंग में वहाब रियाज को आमिर की जरूरत पड़ेगी। तो उस लिहाज से हम सेटल ही नहीं है यार। और फिर सबसे बड़ी चीज हम हर सीरीज के अंदर नए लोगों को लेके जा रहे हैं, पुरानों को कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे, हम हर दफा तब्दीलियां करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारा कॉन्फिडेंस सिर्फ चंद लड़कों के लिए होगा तो फिर बाकी लड़के तो फिर स्ट्रगल करते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल ठीक है। ये भी सर बता दीजिएगा कि हम चार तो ओपनर खिला रहे हैं ना, लेकिन अगर हम ओपनर्स को इसलिए खिलाना चाहते हैं कि हम स्ट्राइक रेट ज़्यादा करना चाहते हैं, हमें बड़े टोटल देने होंगे, हम उनको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। और अगर हम शर्जील को देखें, हमने एक मैच अभी उन्होंने खेला उसके अंदर स्ट्राइक रेट उनका कम था जो बाबर और रिजवान का हुआ करता है। अब हम बहुत कन्फ्यूजन में आ गए, हमारे पास इतने ज़्यादा मैचेस नहीं बचे कि इन सारों को ट्राई भी कर लें, तो अब हम क्या करेंगे? क्या आप बिल्कुल आउट कर देंगे हम? अब जब मैंने एक लफ्ज कहा कि आपको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा, आप रोज रोज तब्दीलियां करते होंगे, बार बार तब्दीलियां करते तो इस तरीके से नहीं हो पाएगा, आपको कॉन्फिडेंस लड़कों को देना होगा। अब आप शर्जील को ये सीरीज दे रहे थे, शर्जील जिस तरीके से आए हुए थे वो बैटिंग करने के लिए खौफ के अंदर थे, उनके कॉन्फिडेंस में और एक ऐसे प्लेयर के जिसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कॉन्फिडेंस देना चाह रहा है, जैसे रिजवान ने तो बहुत परफॉर्म करके दिखाया, बाबर ने परफॉर्म करके दिखाया, लेकिन हम देखते हैं फुल अशरफ को बहुत ज्यादा मौके दिए गए, ऐसे कई सारे प्लेयर हमें दिखाई देते जिनको कॉन्फिडेंस दिया गया, शर्जील के लिए वो कॉन्फिडेंस है या नहीं है ये भी एक सवाल है कि वो एक मैच में नाकाम होते हैं, दो मैच में नाकाम होते हैं तो उनको फिर बाहर कर, इस खौफ की वजह से वो नहीं खेल पाते। लेकिन आप फखर को चार नंबर पे खिला रहे हैं, कभी पांच नंबर पे खिला रहे हैं, कभी हफीज को पांच नंबर पे खिला रहे हैं, कभी हफीज को चार नंबर पे खिला रहे हैं। आप सेटल करें अपनी चीजों को थोड़ा सा, बिल्कुल ठीक है, सेटल करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और अब आपने जो प्लेयर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस भी दें। नसीम राजपूत साहब बहुत शुक्रिया आपका, सुल्तान से आप बात कर रहे थे और आप उम्मीद करते हैं कि टेस्ट सीरीज होगी वो पाकिस्तान उसमें बेहतर खेलेगा अगर बारिश ने खेलने दिया। अच्छा अच्छी खबर है ओलंपिक से आ रही है, वो क्या खबर है कि पाकिस्तान के अरशद नदीम ने टोक्यो ओलंपिक्स के फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया और अब हमें उम्मीद एक जागना शुरू हो गई है। आखिरी हमारे पास रह गए थे ना ओलंपियन, और अब ये हमारे उम्मीद जाग गई है कि शायद एक मेडल लेके पाकिस्तान जो है वो वापस आएगा। ये मैच हुआ है और अरशद नदीम ने क्या बात है, थ्रो हमें दरकार थी 83.5 की और उन्होंने पहली जो थी 78.5 की थ्रो की, और दूसरी बार जो उन्होंने कोशिश की 85.16 की उन्होंने थ्रो की और फाइनल के लिए बराहे रास्त क्वालिफाई कर लिया। 7 तारीख को ये फाइनल होगा। अब हम उम्मीद करते हैं कि जो फाइनल होगा उसमें जो है अरशद की परफॉर्मेंस इससे भी बेहतर होगी और
हम उम्मीद करते हैं कि हमें गोल्ड जो मेडल है वो हम पाकिस्तान के लिए अरशद नदीम चौधरी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 4 बजे ये मैच हो रहा होगा। आप लोगों ने मैच देखना है और दुआ भी करनी है कि पाकिस्तान साथ साथ जो है मेडल वहाँ से लेके कम अज़ कम वापस आ रहा हो। जिस तरह से हम तला की बात कर रहे थे, तला से आपकी मुलाकात भी करवाई थी, तला ने बेहतरीन खेल पेश किया था और हम महरूम रह गए। थोड़ा सा 2 पॉइंट्स का फर्क था, 2 केजीस का फर्क था जिससे हम महरूम रह गए थे, लेकिन अब हम महरूम नहीं रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि एक मेडल आएगा ओलंपिक से। हमें इजाजत दीजिए प्रोग्राम का वक्त, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।